Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, S.S. Khanna Girls' Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you concept of creativity and ways to enhance creativity in your students. Already, we have discussed history of creativity, measurement of creativity, Bakar mehdis test of creativity, and creativity and intelligence with you all.

कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस जो इसका बहुमुखी इसकी पृष्ठभूमि है उसने जिस हिसाब से हम क्रिएटिविटी को अप्रोच करें चूंकि इतना बहुमुखी है इतना बहुआयामी है कि ये शिक्षा के क्षेत्र को एक कॉम्प्लीकेटेड बिजनेस बनाता है विद इन एजुकेशनल सर्किल टू मेन अप्रोचेज ऑफ देर आर टू मेन अप्रोचेज ऑफ क्रिएटिविटी एजुकेशनल सर्किल में अगर हम देखें तो क्रिएटिविटी के दो मुख्य उपागम है पहला कि दी आइडिया दैट क्रिएटिविटी इज लिंक्ड विद प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू ये सबसे खास बात है कि क्रिएटिव हम तब कहेंगे कि उस एक्ट को या उस इंडिविजुअल को जब वो जो बना रहा है वो कुछ नया हो एंड दैट दिस प्रोडक्ट इज टू बी यूजफुल और ये जो उत्पाद है वो लाभप्रद भी हो Creativity has been deemed a desirable trait for graduate students, and it has been named the most important economic resource of the 21st century. Creativity graduate students के लिए एक desirable trait है, मानचिनी गुण हैं उनमें होना चाहिए और इसको 21st century का सबसे महत्वपूर्ण economic resource भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि idea ही power है, idea ही money है, idea ही everything booming है, जो जो चला रहा है हमारी knowledge economy को, है ना? तो जिस तरह से नॉलेज इकोनॉमी थी उसी तरह से अब आइडिया इकोनॉमी हो गया है

समाज में उसके लिए भी एक प्रडिक्टर है फिर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कैसे हम परिभाषित करें क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स है इसलिए तो इसकी एक लाइन में या छोटी सी डेफिनेशन इसके सारे एस्पेक्ट को कवर करने में अक्षम है इसलिए हमको एक वर्किंग डेफिनेशन बनानी पड़ेगी जिसमें कि हमको ये ध्यान देना होगा कि कुछ की पिलर्स हैं मुख्य इसके स्तंभ हैं जिन पर कि ये डेफिनेशन रेस्ट करती है या पर निर्भर होती है जैसे पहला है क्या क्रिएटिविटी कैन बी फोस्टर्ड

रेफर टू बोथ अ प्रोडक्ट एंड टू ए प्रोसेस क्रिएटिविटी को हम प्रोडक्ट उत्पाद भी मानते हैं और प्रक्रिया भी मानते हैं तो क्रिएटिविटी को कैसे डिफाइन करें इट इज द इंटरेक्शन एमंग एप्टीट्यूड प्रोसेस एंड एनवायरमेंट दैट प्रोड्यूसेज एन आइडिया

जैसे कि इनट्रेंसिक मोटिवेशन या क्यूरियोसिटी यानी हम अंदर से कितने अभी प्रेरित हैं वो काम करने के लिए हमको कोई बाहर से उसके लिए आ, मतलब कोई मनी या कोई इस तरीके की चीज नहीं मिल रही है क्यूरियोसिटी जब हम क्यूरियस होते हैं कुछ हमारे इर्द गिर्द होता है उसके लिए उत्सुकता होती है हमारे मन में हम वातावरण के लिए खुलापन रखते हैं हम रिजिड नहीं होते हैं हमको कुछ स्वायत्तता मिलती है कुछ फ्रीडम मिलती है कुछ काम करने की और रिजिलियंस हमारे अंदर होता है कि हम गिर भी उठेंगे हम्म

चूकि uh, मैं थोड़ा सा स्पीडी हूं क्योंकि ये वीडियो मैंने एक बार पहले रिकॉर्ड किया बट कुछ टेक्निकल फ्लॉ के कारण ये वो नहीं हो पाया तो मैं दोबारा इसको कर रही हूं तो यू कैन से यू कैन अंडरस्टैंड कि वही बात मैं दोबारा बोल रही हूं तो थोड़ा सा स्पीडी है प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए तो मिनी सी यानी कि डिस्क्राइब्स दिस सॉर्ट ऑफ इंसाइट दैट आर पर्सनली न्यू एंड मीनिंगफुल हमने अपने लिए कुछ नया सोचा कुछ अर्थपूर्ण सोच लिया तो वो तो मिनी सी है यानी कि हम क्रिएटिव हैं लेकिन थोड़ा सा मिनी है ना फोकस ऑन क्रिएटिव पोटेंशियल एंड नर्चरिंग यंग माइंड्स टू एक्सप्रेस आइडियाज कुछ नया हमने सोचा फिर यही लिटिल सी में बदल जाएगा जब हम रोज रोज यही काम करेंगे सेलिब्रेट्स रेगुलर क्रिएटिव एंड जब जब हम हम कुछ 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 बना रहे हैं, जब हम कुछ कर रहे हैं हैं कर तो उसमें क्रिएटिविटी है इसका मतलब हम लिटिल सी रखते हैं लिटिल सी के बाद हम प्रो सी क्रिएटिविटी में तब चले जाएंगे जब हमारे फील्ड में हमारा नाम हो जाए वेयर वन इज ए प्रोफेशनल विद इन देअर डोमेन बट येट टू अचीव बिग सी क्रिएटिविटी लेकिन अभी भी हम बिग सी में नहीं पहुंचे लेकिन अपने डायमेंशन में अपने

जिसमें हमारे जो हमारा जो हमारी एक्सपर्टीज है चाहे टेक्निकल हो सकती प्रोसीजरल, है प्रोसीजरल इंटेलेक्चुअल मतलब जो नॉलेज डोमेन है क्रिएटिविटी का वो एक कॉम्पोनेंट है क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी या अडेप्टिवनेस ये सब क्रिएटिव थिंकिंग में आ जाएगा और मोटिवेशन प्रेरणा तो जरूरी है कुछ भी आप काम करते हैं उसके लिए आप अभी प्रेरित होंगे तभी कर सकेंगे Extrinsic तो जरूरी है बट मोटिवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम अंदर से हमको लगता है कि हम कुछ करें हमारा नाम हो लोग हमें जाने तो वो इंट्रेंसिक मोटिवेशन है ठीक है अब आता है ये तो एना uh, जॉर्डेनस ने uh, रिसर्च करके बताया 2012 में कि 14 कंपोनेंट्स हो सकते हैं क्रिएटिविटी के और ये उनके नाम है सोशल इंटरेक्शन ओरिजिनलिटी इंडिपेंडेंस वैल्यू इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रिजल्ट कॉम्पिटेंस जनरल इंटेलेक्ट इस तरीके से है ना आप याद कर सकते हैं इसको फिर बात आपसे ये पूछी जाती है कि प्रोग्राम अच्छा इसमें बहुत सारी बातें हैं जो बहुत बार बहुत वीडियोस में आपसे डिस्कस हो चुकी हैं इसलिए मैंने यहाँ नहीं बताया सिर्फ वो कवर किया है जो अभी तक कवर नहीं किया था क्या कि क्रिएटिविटी जो है जब आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की बात कर रहे थे गिलफर्ड तो वो क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे क्यों क्रिएटिविटी की क्योंकि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे थे तो डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्रिएटिविटी कर आई है ना फिर अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो ब्रेन स्टॉर्मिंग पे अलग से पीरियो है मेरा लेकिन यहाँ पे इसके अलावा भी कुछ और प्रोग्राम डिस्कस किए इसलिए तो एक स्लाइड में आप ब्रेन समझ लीजिए कि in 1938 स आइडिया जनरेशन एट इज एडवर्टी एडवर्टाइजिंग फर्म चूंकि एडवर्टाइजिंग फर्म में इन्होंने आइडिया जनरेशन के लिए इसको शुरू किया एडवर्टाइजिंग फर्म ना कि जितनी ज्यादा से ज्यादा विचार आ सके इसलिए आइडिया जनरेशन को एनहेंस करने के लिए टेक्निक बनाई गई ही फॉर्मेलाइज हिज ऑब्जर्वेशन एज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर एन आइडिया जनरेशन टेक्निक एंड क्वाइंट दर्म ब्रेन और उन्होंने इसको ब्रेन का टर्म दिया स्टीन ने कहा कि ब्रेन brainstorming... <laughs>

दूसरा चरण क्या है जनरेट आइडियाज अब आपको जनरेट करने हैं कैसे करें आप आइडिया को ढूंढिए और प्रिपेयर फॉर एक्शन और लास्ट में प्रिपेयर फॉर एक्शन तो प्रिपेयर फॉर एक्शन में क्या होगा आपको सोल्यूशन ढूंढना है और एक्सेप्टेंस फाइंडिंग ढूंढनी है मतलब इस तरीके से क्रम में करेंगे तो आपको क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है बट उसमें क्रिएटिविटी भी का भी इनपुट है इस तरह से भी आप क्रिएटिविटी एनहांस कर सकते हैं यानी कि आप अपने स्टूडेंट्स को चैलेंजेस दीजिए तभी तो एक्सप्लोर करेंगे चैलेंजेस को ड्यू क्रिएटिव थिंकिंग प्रोग्राम ये पर्डियो क्रिएटिविटी प्रोग्राम था पहले पीसीपी बाद में ये पर्डियो क्रिएटिव थिंकिंग प्रोग्राम हो गया पीसी पी डेवलप किया गया 1965 में जॉन एफ फेलन के द्वारा टू इंक्रीज द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ चिल्ड्रेन दी प्रोग्राम इज डिजाइंड टू फोस्टर वर्बल एंड विजुअल डाइवर्जेंट थिंकिंग स्किल्स इस प्रोग्राम को क्यों बनाया गया ताकि हम बच्चों में वर्बल और विजुअल डाइवर्जेंट थिंकिंग स्किल्स को बढ़ा सकें और क्या बढ़ा सकें इंक्रीज कर सकें फ्लुएंसी फ्लेक्सीबिलिटी ओरिजिनिटी एंड और ये वही फैक्टर्स हैं जो ने दिए हैं इसीलिए अपने क्रिएटिव थिंकिंग के टेस्ट में यही मेजर करते हैं कि बच्चा कितना फ्लुएंट है कितना फ्लेक्सिबल है कितने ओरिजिनल सोल्यूशन बता रहा है और कितना विस्तार कर सकता है उसको कोई पॉइंट दिया गया है तो ये या मिनेसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग में भी यही फैक्टर्स हैं ओके okay, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिनेक्टिक्स

आई एम सो सॉरी कि मैं थोड़ा स्पीडी रही बिकॉज ये मेरे लिए रिपीटिव काम हो गया एक बार किया फिर कुछ गड़बड़ हो गई दोबारा किया ठीक है फिर भी आई थिंक कि आप स्लाइड पढ़कर समझ सकते हैं थोड़ा सा स्पीडी थी मैं सो प्लीज बियर इट सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन